परवरदिगार ए करीम मालिक ए रहीम मालिक, हम बड़े गुनाहगार खताकार हैं मालिक, तेरे दरबार में हाजिर है मालिक, रमज़ान की मुबारक सातों में इबादत के लिए हाजिर है। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, परवरदिगार हमें माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आपने कुरान में फरमाया है कि ज़मीन और समंदर और तरी के अंदर और खुश्की में जो कोई फसाद, जो कोई नुकसान, जो कोई मुश्किलात होते हैं इंसान के हाथों का किया हुआ होता है। अल्लाह एक साल से ज़ायद अरसे से वबा फैली हुई है, मालिक इस वबा को दूर फरमा दीजिए। मौला पूरी दुनिया को आफियत का गहवारा बना दीजिए। परवरदिगार तेरी मखलूकात में एक छोटी सी मखलूक जिसका कोई वजन नहीं, पूरी दुनिया मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकती है, मालिक हमें माफ़ फरमा दे। परवरदिगार हमें बड़ा गुरूर था, तकब्बुर था, अपने आप को बड़ा समझते थे, मालिक तेरी न दिखाई देने वाली छोटी सी मखलूक हमें मात दे दी है। हमारी तमाम तरक्यात बेकार हो गए हैं, हमारी तमाम ज़रूरतें ताकतें क़ुव्वतें ज़ाय हो गई हैं। अल्लाह लाशों की नाशें निकल रही है, मौला लोग बीमार पड़ रहे हैं, दवाखाने बस नहीं हो रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही है। परवरदिगार करम फरमा दीजिए, रहम फरमा दीजिए। अल्लाह आपने बहुत मौका इनायत फरमाया, सुधरने का मौका अता फरमाया, सुधरने का मौका नसीब फरमाया, लेकिन हम गफलतों में पड़े रहे। अल्लाह आज हमें माफ़ फरमा दीजिए। परवरदिगार आपके हबीब ने फरमाया, जब नेमतों की नाकदरी होती है तो उसे छीन लिया जाता है। अल्लाह तेरे घर के दरवाजे खुले थे, हम बाजारों में फिर रहे थे। अल्लाह तेरे मौज़ पुकार कर बुला रहे थे, हम बिस्तरों में सो रहे थे। अल्लाह आज फिर वो वक्त आ गया है कि लोग मसाजिद के दरवाजे बंद करने पर तुले हुए हैं, तेरे घर के दरवाजे बंद होने वाले हैं, तेरे काबे के दरवाजे बंद होने वाले हैं, तेरे नबी का घर बंद होने वाला है। अल्लाह महीनों तक ये बंद दरवाजों को हमने देखा है, अल्लाह हमने ये मुसीबत को सहा है। अल्लाह हम पे रहम फरमा दीजिए, परवरदिगार हम पे करम फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हमारे खताओं को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह तूने अपनी शान कुदरत का इजहार फरमाया, तेरी शान में कोई कमी नहीं आती, चाहे मस्जिदें वीरान हो जाए, चाहे हरम काबा वीरान हो जाए, चाहे मस्जिदों को कोई ना आए, बोला तेरी शान में कोई कमी नहीं आती है। मालिक नुकसान है तो हमारा है, मौला खुसारा है तो हमारा है, मौला फिटकार है तो हमारी है। मौला कैसा मुसीबत का दौर हमने देखा है कि मौला सजदों के लिए नमाज मस्जिद नहीं तो नहीं, हमारे जनाजों के लिए भी मस्जिद न ला सके, मौला हमारे जनाजों को गुस्ल तक नहीं दिया जा सका। अल्लाह बाप अपने बेटे का जनाजा नहीं पढ़ सका, बेटा अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ सका, रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को अपने हाथ से नहला नहीं सका, कफन नहीं दे सका, दफन नहीं कर सका। मालिक ये कैसी वबा है, कैसी मुसीबत है। अल्लाह तू जो चाहे कर सकता है, अल्लाह तू जो चाहे कर सकता है, अल्लाह तेरी शान कुदरत में है, तू एक लम्हे पर भी पूरी दुनिया को सुधार सकते हैं। मालिक हमारे ऊपर रहम फरमा देना, रमजान की बरकतों के सदके में रहम फरमा देना। मौला कितने बीमार दवाखानों में पड़े हैं, दवाखानों की वसी और इस बिल्डिंगें छोटी पड़ रही है, मौला कब्रस्तान की जगह तंग हो रही है। मालिक करम फरमा दे, अपने हबीब के सदके में रहम फरमा दे, हबीब पाक के नालैन के सदके में करम फरमा दे, हमारी गुनाहों को माफ फरमा दे। मालिक पता नहीं फिर तेरे घर को आने दिया जाता है या नहीं। अल्लाह हम तुझसे भीख मांगते हैं, तेरे घर से दूर न फरमा दे, अपने दूर अपने घर से बाहर न निकालिएगा, अपने घर के दरवाजे हमारे लिए बंद न कीजिएगा। अल्लाह हम सुधरने का वादा करते हैं, अल्लाह हम गुनाहों को छोड़ने का वादा करते हैं, अल्लाह हम तेरी रस्सी मजबूती से पकड़ने का वादा करते हैं। अल्लाह हमें माफ फरमा दे, हमारे बड़ों को माफ फरमा दे, हमारे छोटों को माफ फरमा दे, जवानों को माफ फरमा दे, औरतों को माफ फरमा दे। अल्लाह हम तमाम को माफ फरमा दे, हमसे राजी हो जाइए मालिक,
बहुत नुकसान हुआ मालिक, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, कारोबार भी लुट गए, देने वाला लेने वाला बन गया, लोग कर्जों के बार तले दब गए, मौला फकीर बन गए, मांगने वाले बन गए। परवरदिगार तेरी आजाब की, तेरी नाराजगी की एक झलक का ये मामला है तो भी तेरी नाराजगी कैसी होगी। अल्लाह हमको माफ फरमा दे, अल्लाह इस उम्मत को माफ फरमा दे, तेरे हबीब की उम्मत है माफ फरमा दे, तेरे हबीब की उम्मत है माफ फरमा दे। अल्लाह तुझसे आफियत की भीख मांगते हैं, अल्लाह तुझसे सेहत की भीख मांगते हैं, अल्लाह छुपे छुपे फिर रहे हैं, डरे डरे फिर रहे हैं, भाई भाई से हाथ नहीं मिला था, माँ बेटी से नहीं मिल सकती, रिश्तेदार रिश्तेदारों से कतरा रहे, डर रहे हैं। अल्लाह ये कैसा दौर आ गया है मालिक, परवरदिगार माफ फरमा दे। इंसान के साये से डर होने लगा है, इंसान की मुलाकात से डर होने लगा है, कहां हाथ लगाए तो वायरस आ जाए, कहां हाथ लगाए तो बीमारी आ जाए। अल्लाह ये मुंह छुपा छुपा कर कब तक फिरे, अल्लाह ये मुसीबत के डर में कब तक फिरे। अल्लाह एक तुझसे न डरने का ये नतीजा है मालिक। अल्लाह आपने फरमाया था कि मेरे से डरो, अल्लाह तुझसे न डरने की वजह से तेरी मखलूकात में इतनी छोटी मखलूक से डर रहे हैं। अल्लाह तेरी बगावत की वजह से आज हमारी सांसें हमारे ऊपर तंग हो गई है, अल्लाह हमारी सांसें हम पे तंग हो गई है। परवरदिगार माफ फरमा दे। मौला हम माफी की भीख मांगते हैं, आफियत की भीख मांगते हैं। अल्लाह बस है मालिक ऐसे जनाजे जिसमें कोई शरीक ना हो सके। अल्लाह हम आखिरी वक्तों मोहब्बत और प्यार से तेरी मगफिरत की भीख मांगते हुए अपने रिश्तेदारों को आराम गाह तक पहुंचाते थे। अल्लाह फिर वो दौर आ गया है कि हम अपने चाहने वालों को खांदा भी नहीं दे सकते, अपने हाथों से कफन भी नहीं पिला सकते, सही गुस्ल भी नहीं दे सकते, अपने हाथों से बाप अपने बेटों को, बेटा अपने बाप को दफन भी नहीं कर सकता। अल्लाह ऐसी सख्त आजमाइश के लम्हात को दूर फरमा दे, अल्लाह सख्त आजमाइश के लम्हात को दूर फरमा दे। अल्लाह पूरी दुनिया जान चुकी है कि ये दुनिया की वबा को दुनिया की कोई तरक्की नहीं रोक सकती, अगर रोक सकते हैं तो सिर्फ आप रोक सकते हैं मालिक। मौला तेरा एक हुक्म चाहिए मालिक, तेरा एक इशारा चाहिए मालिक। परवरदिगार वो इशारे के मुंतजिर है मालिक, परवरदिगार वो इशारा फरमा दीजिए, परवरदिगार हमें मौका इनायत फरमाइए, परवरदिगार रहम फरमाइए। हमारी दुआओं को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और तुफैल में कबूल फरमाइए। रमजान के बाकी अय्याम में तेरे घर में आकर के इबादतें करना नसीब फरमाइए, मौला इससे महरूम न फरमाइए। मौला गुज़िश्ता पूरा रमजान हम महरूम रहे, तेरे घर से बाहर न निकालिए मालिक, तेरे घर में आने का मौका दीजिए मालिक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمة